और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम अपने टैली के रजिस्टर स्टार्ट करेंगे। तो टैली के रजिस्टर्स कितने लगाएंगे? हम 3 रजिस्टर्स लगाएंगे। एक हम लगाएंगे जर्नल बुक, एक हम लगाएंगे कैश बुक, एक हम लगाएंगे लेजर बुक। 3 रजिस्टर्स लगाएंगे, कैश, जर्नल और लेजर बुक। तो अब हम इसका यूज़ क्या होता है? तो बहुत सारे बच्चे यूँ बोलते हैं कि जर्नल के अंदर भी हम कैश की एंट्री कर सकते हैं, बट वो तब की जाती है जब हम सब तरह की सब्सिडरी बुक्स लगाते हैं। सब्सिडरी का मतलब होता है अपनी सहायक बुक्स, मतलब कि परचेज का अलग रजिस्टर, परचेज रिटर्न का अलग रजिस्टर, सेल का अलग, सेल रिटर्न का अलग। अगर हम सभी सब्सिडरी बुक्स लगा रहे हैं तो हम जर्नल के अंदर कैश की एंट्री भी करते हैं। अगर हम सब्सिडरी बुक्स की हेल्प नहीं ले रहे हैं तो हमें जर्नल से ही काम चलाना है, तो हम जर्नल के अंदर नॉन कैश की एंट्री करेंगे, मतलब कि उसके अंदर हम कैश की एंट्री नहीं करेंगे, ताकि हम सभी सब्सिडरी बुक्स का काम जर्नल बुक के अंदर कर सकें। अगर हम जर्नल बुक के अंदर कैश की एंट्री भी कर देते हैं तो, और कैश बुक के अंदर भी कैश की एंट्री कर देंगे, जब हम लेजर्स की रेट करेंगे तो उसके अंदर हमारी डबल एंट्रीज चली जाएंगी, जिससे हमारा बैलेंस मैच नहीं हो पाएगा, मतलब कि कंपनी का हमें प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं चल सकेगा। यदि हम सारी सब्सिडरी बुक्स यूज कर रहे हैं तो हम जर्नल के अंदर सारी डेली की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी सभी करेंगे। अगर हम सभी सब्सिडरी बुक्स नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ 3 ही सब्सिडरी बुक्स लगा रहे हैं, कैश बुक, जर्नल बुक और लेजर, तो हम जर्नल के अंदर ओनली नॉन कैश की एंट्री करेंगे, मतलब कि जिसके अंदर कैश नहीं आता। तो आज हम ओनली जर्नल की एंट्रीज करेंगे, उसके बाद हम कैश की एंट्रीज करेंगे, फिर लेजर्स की करेंगे। तो आपको ये हमारी जर्नल बुक होती है, ये हमारी जर्नल बुक होती है, आज हम इसके अंदर काम करेंगे। तो कल आपको कैश बुक का इंट्रोडक्शन भी देंगे। जर्नल बुक आपकी कॉपी होती है, सेम वैसी होती है, इसमें कोई स्पेशल पेज नहीं होता। जैसे हम परफॉर्मा अपनी कॉपी में बनाते हैं, सेम वैसा इसके अंदर भी बनता है। तो आज हम जर्नल को उसके परफॉर्मा के अंदर ही काम करेंगे। तो हम उसको कैसे काम करेंगे, देखो तो आज हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, मतलब कि ऐसी एंट्रीज जिसके अंदर कैश नहीं आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में से ऊपर पहले हमें हेडिंग दी हुई है, तो हम पहले हेडिंग रीड करते हैं। Past journal entries for the flowing transactions and post them into ledgers. हमें जब कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है जर्नल की एंड उसे पोस्ट करना है लेजर के अंदर भी, तो हम लेजर के अंदर भी इसको पोस्ट करेंगे इस एंट्रीज को। तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री है, तो सबसे पहले हमने जर्नल का जो परफॉर्मा होता है, जैसे जर्नल बुक के अंदर बना हुआ है, सेम हमने बना लिया है, ठीक है। सेम सभी स्टूडेंट्स को ऐसा परफॉर्मा बनाना है, तभी ही काम करना है, ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो जब हम टैली के अंदर काम करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास फर्स्ट एंट्री है, सिया राम एंड सन्स कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹2,00,000। कह रहा है सिया राम ने नया बिजनेस शुरू किया है 2,00,000 रुपए से। तो देखो एंट्री क्या हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि हम ये एंट्री इसके अंदर नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ जर्नल की एंट्रीज कर रहे हैं, जर्नल बुक की एंट्रीज। तो जर्नल के अंदर सिर्फ किसकी एंट्री आती है, कैश की एंट्री आती है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो हम इसके अंदर ये एंट्रीज को नहीं करेंगे। तो हमने इसके अंदर इस एंट्री को नहीं करना है।
तो उसके बाद आपकी है हमारी सेकंड एंट्री, 3 अप्रैल की एंट्री है, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। तो देखो इस एंट्री के अंदर भी कैश आ गया है, हमने फर्नीचर खरीदा है नकद में, तो ये एंट्री भी आपकी जनरल रजिस्टर में नहीं जाएगी। तो उसके बाद आती है 5 अप्रैल की एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश, माल खरीदा है कैश में कितने का, 50,000 रुपए का। तो देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये एंट्री भी हमारी जनरल रजिस्टर में नहीं जाएगी। ये तीनों एंट्री हम कल कैश बुक के अंदर करेंगे, आज इसलिए नहीं कर रहे ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। फिर आ रही है 8 अप्रैल की एंट्री, तो हम देखेंगे 8 अप्रैल को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विशाल ट्रेडिंग कंपनी 25,000 रुपए से, फ्रॉम मोहन गारमेंट्स 16,000 रुपए का। हमने माल खरीदा है विशाल से 25,000 रुपए का और मोहन से 16,000 रुपए का। तो आप देखोगे कि उधार की एंट्री है, दोनों के नाम आ रहे हैं, हमने जिनसे माल खरीदा है कहीं पे भी कैश नहीं आ रहा है। तो हम 8 अप्रैल की एंट्री करेंगे क्योंकि ये एंट्री उधार की है। तो सबसे पहले हम डेट के अंदर गए, तो हमने यहाँ पे डेट डाल दी 8/4। सभी स्टूडेंट्स डेट बिल्कुल मैच करके डालेंगे ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो बैलेंस मैच करने पे। तो हमने यहाँ पे परचेज, हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट लिख दिया। उसके बाद क्या था, टू विशाल, क्या था, विशाल ट्रेडिंग कंपनी एंड टू में और क्या था, टू मोहन गार्मेंट्स, ठीक है। तो हमने इतना ही लिखा इसको। उसके बाद देखेंगे, देखो ऊपर विशाल और मोहन गार्मेंट्स ही था, तो विशाल से कितने का माल खरीदा है, 25,000 का, और मोहन से कितने का खरीदा है, 16,000 का। तो विशाल के सामने हमने 25,000 रुपए लिख दिए और मोहन के सामने 16,000 रुपए, मतलब कि हमारे पास टोटल माल कितने का आ रहा है, 25,000 को 16,000 में ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 41,000 रुपीज, 41,000 रुपए। तो हम एंट्री क्या करेंगे, अब एंट्री होगी हमारी पूरी, तो उसके बाद हम नरेशन लिखेंगे। नरेशन के में क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स परचेज किया है हमने फ्रॉम मोहन एंड विशाल, ठीक है, हमने ये एंट्री कर ली। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री पर, तो आप देखोगे नेक्स्ट एंट्री 8 अप्रैल तक हमारी एंट्रीज हो चुकी हैं। उसके बाद आते हैं हम 10 अप्रैल की एंट्री, रिटर्न गुड्स टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी ₹5,000। क्या कह रहा है, रिटर्न मतलब कि वापिस करना गुड्स माल, विशाल ट्रेडिंग कंपनी को 5,000 रुपए का माल हमने वापिस कर दिया है क्योंकि टू आ रहा है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि विशाल ट्रेडिंग कंपनी को जब हमने अगर माल खरीदा था, पेमेंट दे दी थी, तो ये एंट्री कैश बुक में जाएगी। अगर पेमेंट नहीं दी थी तो ये एंट्री जनरल बुक में जाएगी। तो देखो ऊपर वाली एंट्री में उसने पेमेंट नहीं दी थी हमने उसको, तो ये उधार की एंट्री थी, तो माल वापिस किया है तो वो भी पैसे नहीं देगा। तो एंट्री क्या होगी, परचेज रिटर्न की एंट्री होगी, कितने से, 5,000 से। विशाल ट्रेडिंग ने किया है, कब किया है, डेट देखेंगे 10 तारीख को। तो सबसे पहले हम डेट डालेंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे 10 अप्रैल डाली। तो माल वापिस किया है तो मतलब आपका माल वापिस जा रहा है, किसके पास जा रहा है, विशाल, विशाल ट्रेडिंग डेबिट हो गया कितने से, 5,000 रुपए से। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, टू, कैसे वापिस हुआ, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5,000 रुपए से, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5,000 रुपए से टू परचेज रिटर्न, 5,000 से माल वापिस हो गया है हमारा। हमने यहाँ पे
रिटर्न अकाउंट भी लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिटर्न अकाउंट भी लिख दिया। नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स रिटर्न किया था हमने इसको टू विशाल ट्रेडिंग को। ठीक है, विशाल ट्रेडिंग को कंपनी थी हमारी जिसको हमने माल वापस किया था। तो उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री पर। हमारी 14 तारीख की एंट्री है पेड कैश। देखो एंट्री से ही स्टार्टिंग से ही पता चल गया कि पेमेंट दे रहे हैं हम विशाल ट्रेडिंग को, तो ये एंट्री हमारी जर्नल बुक में नहीं होगी। तो हम नेक्स्ट एंट्री पर जाते हैं। 15 अप्रैल की एंट्री है सोल्ड गुड्स। सोल्ड बेच दिया गुड्स माल फॉर कैश। कैश में माल बेच दिया कितने का, 40,000 रुपए का। तो आप एंट्री क्या करोगे, हमने माल बेचा है 40,000 रुपए का कैश में बेचा है, तो ये एंट्री भी हमारी इसमें नहीं जाएगी। तो ये सारी एंट्रीज किस में जाएंगी, कल कैश बुक के अंदर जाएगी। तो नेक्स्ट आती है हमारी 18 अप्रैल की एंट्री सोल्ड गुड्स टू हीरो लिमिटेड, लेस 10% रेट डिस्काउंट ₹30,000। माल बेचा है हमने हीरो लिमिटेड को कितने का, 10% रेट डिस्काउंट पर ₹30,000 का। तो देखो कैश नहीं आया, नाम आ रहा है, तो इसका मतलब उधार में बेचा है और वो भी ट्रेड डिस्काउंट को। तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, तो ₹30,000 का 10% निकाला तो कितना आएगा, ₹3,000 आएगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, इसको हम लेस करके लिखेंगे तो 30,000 में से 3,000 गए ₹27,000। तो हीरो लिमिटेड को माल बेचा है हमने, तो हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले डेट देखिए 18 तारीख, तो हम यहाँ पे एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डेट डाली 18, तो उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे हमने माल बेचा है, सेल किया है किसको, हीरो लिमिटेड को। हमने यहाँ पे लिखा हीरो लिमिटेड को, हमने डेबिट कर दिया कितने का माल बेचा था हमने इसको, आई थिंक 12,000 रुपए का था। तो हम देखेंगे हीरो लिमिटेड की एंट्री, सॉरी 30,000 से एंट्री होगी क्योंकि इसमें तो डिस्काउंट भी थी, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 27,000 रुपए। ठीक है, टू के अंदर क्या आएगा, सेल किया है हमने यहाँ पर टू सेल अकाउंट कितने से, 27,000 रुपए से। तो देखो यही एंट्री थी हमारी, हमने हीरो लिमिटेड को माल बेचा था कितने से, 30,000 का, 10% माइनस कर दिया 3,000 रुपए, 27,000 रुपए से एंट्री कर दी। तो अब हम नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स सोल्ड बाय किसको किया, हीरो लिमिटेड को किया है, हमने यहाँ पे हीरो लिमिटेड लिख दिया कितने का, ₹30,000 बताना पड़ेगा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है इसके अंदर, हमारी पूरी एंट्री के अंदर नरेशन पूरी ही लिखी जाएगी। तो उसके बाद आते हैं हम 18 तारीख के बाद क्या कह रहा है, 20 अप्रैल को सिया राम विड्रो फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, कह रहा है सिया राम मतलब कि जो वहां का मालिक है बिजनेस का, उसने पैसे निकाले हैं कितने, 10,000 रुपए, और गुड्स निकाला है 4,000 रुपए। अब देखो इस एंट्री को कैसे करेंगे हम, अब आप सोचोगे कि इस एंट्री में कैश आ गया तो ये एंट्री कैश बुक में जाएगी, नहीं, ये एंट्री दोनों तरफ जाएगी, क्योंकि एंट्री क्या बनती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू परचेज अकाउंट। तो देखो जो 4,000 रुपए की एंट्री है उसमें कोई कैश नहीं है, तो हम 4,000 रुपए से अब एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए टू परचेज अकाउंट 4,000 रुपए। 20 तारीख की एंट्री है हमारी, तो हमने यहाँ पे डेट डाली 20 अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी हमारी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट
कितने से 4000 रुपए से 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 2, 2 में क्या आएगा, माल निकाला है परचेज, गुड्स निकाला था तो परचेज अकाउंट कितने से 4000 रुपए से, ठीक है। अगर कैश की एंट्री होती ओनली तो ना करते, लेकिन इसमें गुड्स भी था तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी। और गुड्स विड्रॉ किया था फ्रॉम पर्सनल यूज, रुपीस कितने का 4000 रुपीज। उसके बाद आता है हमारे पास 20 तारीख के बाद एंट्री आती है पेड टू मोहन, मतलब कि पैसे दे रहे हैं मोहन को, एंट्री नहीं होगी ये क्योंकि इसमें कैश आ रहा है। तो उसके बाद आते हैं हम 22 को, रिसीव्ड फ्रॉम हीरो लिमिटेड, कैश रिसीव्ड हो रहा है हीरो लिमिटेड को क्योंकि हमने उसको माल उधार में बेचा था, तो ये एंट्री भी हम अपनी जर्नल बुक के अंदर नहीं करेंगे। फिर आता है सोल्ड गुड्स टू हंसराज लिमिटेड फॉर कैश, कह रहा है माल बेच दिया हंसराज को कितने में 12000 रुपए कैश में, तो ये एंट्री भी नहीं करेंगे हम क्योंकि माल जो बेचा जा रहा है कैश में बेचा जा रहा है। तो 28 की एंट्री में आते हैं हम, क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर पवन ब्रदर्स रुपीज 12000, पवन ब्रदर्स से माल खरीदा है हमने 12000 रुपए में, कहीं पे भी कैश नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। तो कब की करेंगे, 28 तारीख को करेंगे, 28/4 की एंट्री है हमारी ये, तो हमने यहाँ पे 28/4 डाला तो हम क्या एंट्री करेंगे, परचेज किया था हमने, हमने परचेज अकाउंट डेबिट कितने से 12000 रुपए से, हमने यहाँ पे 12000 रुपए लिख दिया और 2 में क्या आ जाएगा पवन ब्रदर्स कितने से 12000 रुपए से, ठीक है। नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, फोर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पवन ब्रदर्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट एंट्री, पेड फॉर रेंट, रेंट की पेमेंट की है 2000 रुपए में और सैलरी की 4000 रुपए में, तो देखो दोनों के अंदर ही कैश जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये एंट्रीज कर ली है, अब हमारी कोई भी एंट्री नहीं है जो कि हमारी जर्नल बुक में जाए, तो हम जो कल एंट्रीज आज हमारी बच गई हैं उन एंट्रीज को कल कैश बुक के अंदर करेंगे। जर्नल बुक के अंदर एक चीज का और बात का ध्यान रखना, अगर हम पेमेंट दे रहे हैं और बैंक या चेक से दे रहे हैं तो वो एंट्री भी हमारी जर्नल बुक में जाएगी क्योंकि उसके अंदर कैश नहीं आ रहा, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो वो एंट्री भी हम जर्नल के रजिस्टर के अंदर ही करेंगे। सभी स्टूडेंट इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।